2022 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, अब सियासी पार्टियों में टिकट के दावेदारों की फौज भी खड़े होने लगी है। उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर हाशिए पर आ चुकी कांग्रेस, जहां पर एक विपक्षी के रूप में अपने संघर्ष को आगे बढ़ा रही है और सत्ता में वापसी के लिए परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। वहीं आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि कांग्रेस इस लड़ाई में बहुत पीछे रह गई है, लेकिन हकीकत यह है कि एक एक विधानसभा पर एक दर्जन से ज्यादा प्रत्याशी अब सामने आने लगे हैं। देहरादून विधानसभाओं की बात करें तो यहाँ पर हर विधानसभा में कई बड़े नाम हैं जो टिकट के दावेदार बन चुके हैं और बीते एक साल से बात करें तो लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। आइए ऐसे कुछ प्रत्याशियों की बात करते हैं जो आने वाले समय में उत्तराखंड में कांग्रेस की तरफ से टिकट के प्रबल दावेदार साबित होंगे, और अगर पार्टी ने इन्हें टिकट दिया तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा तुरुप का इक्का भी साबित हो सकते हैं। इन नामों में कौन कौन से लोग शामिल हैं, आइए उन लोगों की जुबानी सुनते हैं कि आखिर उत्तराखंड कांग्रेस में टिकट की चाहत वो क्यों रखते हैं और उनके दावे क्या हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, विधानसभाओं में जो दावेदार हैं कांग्रेस के, उनकी फौज खड़ी हो रही है। एक एक विधानसभा पे दर्जन भर से ज़्यादा ऐसे नए नेता हैं, युवा नेता हैं, जो कहते हैं कि पार्टी को उन्हें टिकट देना चाहिए। वहीं कई दशकों से कांग्रेस की सेवा कर रहे कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं जो कहते हैं कि अंतिम समय है, अब जिस तरह से चुनाव करीब आ गया है, लिहाजा कांग्रेस को उन लोगों को चेहरा बनाना चाहिए जो कांग्रेस भाजपा को हरा सके, आम आदमी पार्टी को टक्कर दे सके। दिलचस्प हो गई है लड़ाई, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस लड़ने जा रही है दो बड़ी पार्टियों से, उसे लड़ना होगा अपने अंदर के उन लोग नेताओं से जो टिकट के दावेदार बन गए हैं। तो कौन कौन से दावेदार किस किस विधानसभा सीटों पर सामने आ रहे हैं, फिलहाल हम बात करेंगे देहरादून की और यहाँ के कुछ बड़े चेहरों से जानेंगे कि उन्हें टिकट आखिर क्यों मिले। हमने ये तय किया है कि हम ऐसे पार्टी के नेताओं को या कार्यकर्ताओं को टिकट देने में प्राथमिकता देंगे जो 5 साल जनता के सुख दुख में साथ रहे, ये पहली शर्त होगी। और ऐसे में मैं समझता हूँ जो बाकी के दावेदार हैं उनको भी हम मनाने, बुझाने और समझाने का प्रयास करेंगे। और अंतोगत्ता चूँकि सब कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी पृष्ठभूमि के लोग हैं, तो लोगों का पहला मकसद अब ये रह गया है कि किसी तरह भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जाए। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने में ही सब अपने भविष्य को सुरक्षित पा रहे हैं, तो इसमें जो तमाम दावेदार हैं वो किसी न किसी एक बिंदु पर आकर सहमत हो जाएंगे। ये हम कह रहे हैं, देखिए हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है, आप ही बताइए। मैं 1985 से प्रदेश की राजनीति कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश की मैं NHAI में रहा, महामंत्री भी रहा, उपाध्यक्ष भी रहा, यूथ कांग्रेस में महामंत्री रहा, उपाध्यक्ष रहा। 2000 से हरीश रावत जी की सेवा में हूँ, लगातार हरीश रावत जी ने प्रवक्ता बनाया, मुख्य प्रवक्ता आपके सामने रहा 2014 से, आज महामंत्री हूँ। अगर पार्टी दे देगी तो बड़ी मेहरबानी। कोशिश है, देखो निश्चित तौर पर मैं पार्षद रहा हूँ, निर्वाचित पार्षद रहा हूँ और उसी रायपुर क्षेत्र में रहा हूँ, लेकिन जब जब भी पार्टी ने कोई निर्देश दिया है, अगर किसी को भी दिया, तो मैं ईमानदारी से उसके साथ खड़ा रहा हूँ। पर मेरा मानना है कि अगर आप ईमानदारी के साथ होते तो उमेश शर्मा काऊ जैसे न होते। रायपुर से आपने टिकट दे दिया, वो भाग गए भारतीय जनता पार्टी में। डॉक्टर अतुड़ी अगर विधायक होता तो चाहे कितनी भी हिम्मत भाजपा में कोशिश कर लेते तो भाजपा में जाने का काम नहीं करता। डॉक्टर RP रतूड़ी कांग्रेस के साथ ही खड़ा रहता। मैं धनौटी से, पिछले 2 साल से जब लॉकडाउन में सरकार ने हाथ पैर छोड़ दिए थे, मैं लोगों के बीच में जा जा करके उनका मनोबल बढ़ाने से लेके उनको कोरोना से बचाव के उपाय के साथ, उनके बेटे जो बाहरी राज्यों में फंस गए थे उनको वहाँ से घर लाने से लेकर उनको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए लगातार जिस तरह से काम कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से मेरी पार्टी का जो नेतृत्व है उसकी मेरे काम पर नज़र है। और पार्टी इस समय एक नहीं बल्कि 3 सर्वे करवा रही है, और ये तय हो गया जो लीडरशिप है कि सर्वे में जिसका नाम जीतने वालों में आएगा उसको प्रत्याशी बनाएंगे, और उसको प्रत्याशी बना करके चुनाव के मैदान में उतार करके इस समय भारतीय जनता पार्टी की नाकाम सरकार को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। और मैंने क्योंकि पूरा काम धनुल्टी में किया है तो मुझे भी पार्टी मुझ पर विश्वास करेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। देखिए हमने उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी है, उत्तराखंड राज्य
जिस टाइम नहीं बना था तब से लेके आज तक जो है उत्तराखंड राज्य के आंदोलन के अंदर हम लोग शामिल रहे हैं, और पार्टी में टिकट मांगा है, और पार्टी जब टिकट देगी तो चुनाव भी लड़ेंगे। 13 कैंट से मैं पूरा बिल्कुल प्रत्याशी हूँ, और पार्टी से मेरी गुजारिश भी है कि जब वो टिकटों का आवंटन करेगी तो उस पर हमारे भी विचार कर लें। देखिए, मैंने लगातार 96 से लेकर के अब तक पार्टी में हर संभव प्रयास किया है कि मैं उसे किस तरीके से मजबूत बना सकती हूँ। 3 टर्न मेरे महानगर अध्यक्ष के हो चुके हैं, और उसी दौरान मैं 2012 से लगातार कंटिन्यू राजपुर विधानसभा में सक्रियता के रूप में काम भी कर रही हूँ, संगठन को भी मजबूत कर रही हूँ, और महिलाओं की पीड़ा को भी आगे ले जाने का काम करती हूँ, संगठन को भी आगे बढ़ाने का काम करती हूँ। और दूसरी बात है कि मैं एक तो महिला हूँ, और दूसरा मैं एक एससी लोबी से भी हूँ, तो महिला होने के नाते नाते मैं एक रिजर्व सीट उसे भी दावा कर रही हूं कि मैं रिजर्व होने के नाते अपनी पार्टी से, अपने हाईकमान से ये मांग करना चाहती हूं कि महिलाओं को इस उत्तराखंड से इस बार ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देने की पुरजोर कोशिश हम लोग करेंगे अपने हाईकमान से, और हाईकमान का हमें पूरा यकीन है क्योंकि हमारा जो काम होता है उस पर हमारे हाईकमान की नज़र होती है। हम 2017 में कैंट विधानसभा से चुनाव लड़े थे, 2017 में हम दूसरे नंबर पर रहे पूरे प्रदेश के अंदर ही, भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की, जो भी आप कहें, जिस प्रकार का प्रचंड बहुमत उनको मिला उसमें प्रदेश में हम लोग 11 में सिमट गए। पार्टी के बहुत सारे लोग चुनाव हार गए, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी 2 जगह से चुनाव हार गए, प्रदेश अध्यक्ष जी चुनाव हार गए, कई मिनिस्टर्स हमारे चुनाव हार गए, हम भी चुनाव हार गए। लेकिन हमने जिस दिन हम चुनाव हारे उसके अगले दिन से अपना ये कर्तव्य और धर्म समझते हुए कि प्रदेश की जनता ने जो हमको जनादेश दिया है उसका पालन करना है, कैंट विधानसभा की जनता ने हमको दूसरे नंबर पे रख के ये कहा कि आप कुछ कमी रह गई, आप तैयारी करिए, तो हमने अगले दिन से तैयारी शुरू कर दी। और पूरे 5 वर्ष राज्य की सरकार की नाकामियां, राज्य की सरकार की विफलताएँ, राज्य के तमाम मुद्दों के साथ साथ कैंट विधानसभा क्षेत्र के जो प्रमुख मुद्दे थे उनको लेकर के हम लड़ाई लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, सरकार को चेताते रहे, सरकार के मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्रियों तक और वहाँ के जनप्रतिनिधियों तक हम लोग अपनी बात पहुँचाते रहे कि जनता की सेवा करिए। देखिए, मैं लगातार पिछले लगभग 35 साल से पूरी ईमानदारी के साथ, चाहे राज्य आंदोलन रहा हो, चाहे उत्तराखंड आंदोलन के बाद कांग्रेस की पहली 2001 में जब यहाँ पर अंतरिम सरकार बनी थी, तब से लेकर आज तक जो है सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि तैयारी पूरी है, क्योंकि देखिए अगर पार्टी टिकट देती है तो निश्चित तौर पर जीत की गारंटी। निश्चित रूप से कांग्रेस की लोकप्रियता काफ़ी बड़ी है, पहले से भी कई लोकप्रियता में काफ़ी वृद्धि हुई है, और लोग कांग्रेस की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं, और कांग्रेस के प्रति बेहतर माहौल है। इसी को देखते हुए अब इसमें संभावनाएं, सभी अपनी संभावनाएं तलाशते हैं, इसलिए सब अपनी दावेदारी कर रहे हैं। इसमें सबका अधिकार है, सारे कार्यकर्ताओं का अधिकार है कि अपनी दावेदारी पेश करें। नहीं नहीं, विद्रोह वाली बात नहीं, टिकट तो एक ही आदमी को मिलता है, तो टिकट तो एक आदमी मिलता है तो ये सबको पता है, लेकिन अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, सभी अपने स्तर पर प्रयास करते हैं और कर ही रहे हैं। एक तरफ जहाँ भाजपा और आम आदमी पार्टी ये कहती है कि उत्तराखंड के चुनाव में कांग्रेस बहुत पीछे है और वो बहुत कुछ कर नहीं पाएगी, हासिल कर नहीं पाएगी, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से दावेदारों की जो संख्या है लगातार बढ़ रही है, यानी एक अनार 100 बीमार वाली हालत उत्तराखंड की जो PCC है उसमें अब शुरू होने लगी है, ऐसे में मुमकिन है कि जब चुनाव और करीब आएगा, टिकट बंटने की बारी आएगी, तो कहीं ना कहीं संतुष्टों की एक बड़ी फौज भी सामने होगी, जिससे लड़ना कांग्रेस के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है इस बार, आम आदमी पार्टी है, भाजपा है, और अंदरूनी जो कला है कांग्रेस की वो भी बड़ा सिरदर्द होगी। लिहाजा जब टिकट बटेगा तो देखना होगा कि इन दावेदारों में से किसकी लॉटरी लगेगी और कौन अगले बार के लिए टाल दिया जाएगा, या तो विद्रोह करेगा या पार्टी में चुपचाप समर्थन के तौर पर वो कार्यकर्ताओं के तरह जुट जाएगा 2022 की जंग को जीतने के लिए। देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल कैमरामैन इमरान के संग आशीष तिवारी, TV News, भारत, देहरादून।